13 अप्रैल 2020 के बाद देश दुनिया के आएंगे अच्छे दिन। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं वरन पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है और देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति महामारी के कारण परेशान है। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और सही भी है, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे तो यह महामारी और बढ़ेगी और इस चेन को हम नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए आप सभी घर में रहे और इस बीमारी से सबसे पहले बचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह व्यवस्था जो है कब तक सुधरेगी, यानी यह बीमारी कब समाप्त होगी और आर्थिक व्यवस्था कब सुधार में आएगी? चूंकि देश दुनिया की सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई है इस समय कि इस भीषण महामारी से हमें कब छुटकारा मिलेगा, यानी देश दुनिया में कब अच्छे दिन की शुरुआत होगी। तो हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों के राजा सूर्यदेव माने गए हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन यदि कोई करते हैं तो वो प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान सूर्य नारायण करते हैं। प्रत्येक एक माह के लिए एक राशि में आते हैं, यानी 12 माह 12 राशियों में विचरण करते हैं। तो 13 अप्रैल 2020 सोमवार की रात 10 बजे से सूर्य देवता का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वर्तमान समय में मीन राशि में चल रहे हैं और 13 तारीख की रात को 10 बजे से सूर्य देवता मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही मेष राशि में उनका प्रवेश होगा वैसे ही देश दुनिया में अच्छे दिनों की शुरुआत का समय आ जाएगा, क्योंकि सूर्य देवता कल्याणकारी देवता है। संसार में यदि कोई प्रकाश देते हैं प्रतिदिन तो वो सूर्य देवता ही देते हैं। इसलिए सूर्य देवता के राशि परिवर्तन से देश दुनिया को बड़ी राहत मिलने का योग है, यानी इस महामारी के अंत की शुरुआत यदि होगी तो वो सूर्य देवता के मेष राशि में जाने के बाद ही होगी, क्योंकि सूर्य देवता जब मेष राशि में होंगे तो वो उच्च राशि में होंगे और उच्च राशि में रह करके सूर्य देवता इस महामारी को नष्ट करेंगे और देश दुनिया को इस महामारी से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। जस इस महामारी से निजात मिलेगी उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे अपने कामों में लग जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, देश की व्यवस्थाओं में सुधार होगा, अच्छे दिनों की शुरुआत आने लगेगी। तो आप लोग निश्चिंत रहे, 13 तारीख के बाद सूर्य देवता का मेष राशि में परिवर्तन हो रहा है और मेष राशि में एक माह के लिए सूर्य देवता आ रहे हैं। लगातार सूर्य देवता 14 मई तक मेष राशि में ही विद्यमान रहेंगे, तो इनका मेष राशि में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेष राशि में जब सूर्य देवता आते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में रहते हैं और ऐसे में ये कई प्रकार के जो बुराइयां होती है, महामारी होती है या फिर अन्य कोई भी देश दुनिया में जो भी समस्याएं आती है उनका निदान करवाते हैं। तो एक महीने में इन सब व्यवस्थाओं से दुनिया को जो है निजात दिलाएंगे और सभी प्रकार से उन्नति और प्रगति देश दुनिया की होने लगेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो एक माह होगा, यानी 13 तारीख से लेकर के 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का जो एक माह का समय है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस एक माह के अंदर अंदर निश्चित मानिएगा कि आपके अच्छे दिन आ जाएंगे और इस महामारी से हमको मुक्ति मिलेगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और सभी लोग अपने अपने निर्धारित कामों में पुनः लग जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, पहले दिनों की तरह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका अलग अलग 12 राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। तो 12 राशि वालों के लिए सूर्य देवता के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सूर्य देवता अपने परम मित्र मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे।
यह एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इस राशि में अपनी उच्च अवस्था में माने जाते हैं। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश अग्नि तत्व प्रधान मेष राशि में होगा, जिससे जीवन में खुशहाली और तरक्कियां आएगी, गर्मी के मौसम में बढ़ोतरी होगी और 12 राशि वालों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में ही सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में होते हैं, इसलिए यह गोचर मेष राशि वालों के लिए खास होने वाला है और सूर्य की जो स्थिति है उसके कारण आपको संतान पक्ष से पूर्ण सुख मिलेगा, संतान की उपलब्धि का समाचार मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, उनके कैरियर के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में उनकी उन्नति और प्रगति होगी तथा आपको भी अपने कार्यक्षेत्र में अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धैर्य रखें, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा और उपाय के रूप में आपको भगवान सूर्यदेव को प्रत्येक दिन जल चढ़ा करके नमस्कार करना चाहिए, जिससे और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। इस गोचर के कारण वृषभ राशि वालों को विदेश यात्रा के प्रबल योग बनने वाले हैं। यह समय आपको बाहरी भूमि पर खूब मान सम्मान और सफलता देगा, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, कोर्ट केस में भी आपको नतीजा आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद है। खर्चे हालांकि आपके बढ़ेंगे लेकिन पारिवारिक जरूरतों और घरेलू सामान पर आपके खर्च होंगे, इसलिए आपको आत्मिक रूप से खर्चों से संतुष्टि रहेगी। स्थानांतरण यानी नौकरी में परिवर्तन का योग है और आपकी उच्च पद की अभिलाषा भी पूरी होने वाली है। कोई अच्छा काम आपको मिलेगा जिससे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। यदि आपने रोजगार के लिए आवेदन किया है तो इसमें नौकरी मिलने का भी योग बन सकता है। उपाय के रूप में प्रत्येक रविवार के दिन यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका व्यवहार और आपके व्यापार दोनों में जो है उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, यानी आपके व्यवहार में भी जो है अच्छापन आएगा और लोग आपके व्यवहार से बहुत खुश होंगे। खुशियों की बरसात आपके जीवन में हो सकती है, आपकी आमदनी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी, आपके व्यापार से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, समाज के गणमान्य और ऊंची साख वाले लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, आपके काम बढ़ने वाले हैं और व्यापार में आपको आशा की धन लाभ का योग बन रहा है। साथ ही उच्च पद की यदि आपकी महत्वाकांक्षा है तो इस दौरान वह भी पूरा होने का योग बन रहा है, यानी आपको किसी राजनीतिक क्षेत्र में या प्रशासकीय क्षेत्र में आपको कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक सफलता का उत्तम दौर इस समय आपका आने वाला है। उपाय के रूप में आप हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो निश्चय ही आपके लिए और भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को जबरदस्त पदोन्नति का योग बन रहा है, आपकी नौकरी मजबूत होगी, आपके काम की चारों ओर प्रशंसा होगी, विरोधी भी आपके गुण गाएंगे, आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको काम के क्षेत्र में अधिकार दिए जाएंगे, आय में बढ़ोतरी होगी लेकिन साथ काम करने वाले लोगों को अपना सहोदर समझकर अच्छा व्यवहार करना अच्छा होगा, किसी से विवाद न करें और अहंकार की भावना मन में न आने दे, भूमि भवन वाहन सुख में जो है आपको लाभ मिलेगा। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, उपाय के रूप में एक लाल फूल जल में डाल करके यदि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपके मान सम्मान में खूब बढ़ोतरी होगी, आप बहुत लोकप्रिय होंगे, लोग आपके पास आएंगे और आपसे प्रभावित होंगे, आपको अपने पिताजी से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए क्योंकि इस समय आप दोनों के संबंध बिगड़ सकते हैं, पिताजी को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको विशेष रूप से उनका ध्यान रखना चाहिए और
तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी। आप खुश होंगे। यात्राओं के लिए यह गोचर काफी अच्छा होगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और मेहनत के बल पर अच्छे लाभ अर्जित करेंगे तथा इस गोचर के दौरान आपका ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार में यदि आप है तो वहां पर रिस्क यदि लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरानी किसी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। उपाय के रूप में यदि आप तांबे के पात्र का दान करेंगे, जैसे तांबे का बर्तन आप किसी भी साधु संत या ब्राह्मण को दान करते हैं, तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल थोड़ा नहीं रहेगा। इस अवधि में धन लाभ के अलावा इनको धन हानि के भी योग बन सकते हैं। कहीं से आपको कोई खर्चे का समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तेज बुखार, सिर दर्द आदि की संभावना आपके साथ बन सकती है, इससे आपको बचना चाहिए। आपके स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी हो सकती है, धन का खर्च हो सकता है। मानसिक रूप से काफ़ी तनाव आपके ऊपर रहेगा और पिताजी को भी धन हानि की सामना करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से आपको निमंत्रण मिल सकता है, किसी अच्छे काम के लिए आपको बुलाया जा सकता है। इस समय आपकी वाणी में गर्व बढ़ेगा, इसलिए आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए। बात का बतंगड़ बनने में स्थिति बिगड़ सकती है। आपकी पुरानी कुछ योजनाएं बाहर आ सकती है, जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके विरोधी आपका लाभ उठा सकते हैं। और इस गोचर का सबसे अच्छा लाभ यह रहेगा कि आपको अपने पुराने कर्जों से लगभग मुक्ति मिल जाएगी या फिर आपके कर्ज पूरे समाप्त हो जाएंगे। और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी को यदि आप प्रत्येक दिन पीले रंग का चंदन चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इस गोचर का जो है कई मामलों में आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस गोचर के दौरान आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव और टकराव दोनों बढ़ सकता है। आपके जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आएगा और संभव है कि आप दोनों के अहम में टकराव आएगा। इसलिए याद आपको रखना चाहिए कि रिश्तों में कोई दरार न हो, इसलिए आपको धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता होगी। व्यापार के सिलसिले में आशातीत सफलता के मार्ग आपके खोलने वाले हैं और आप बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आपको बड़े भाइयों से सपोर्ट मिलेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति है तो इस दौरान आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की छोटी मोटी शारीरिक समस्या आपको यदि परेशान कर रही है तो वह जो है इस दौरान समाप्त हो सकती है। अपने जीवन साथी को भी इस दौरान काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपके संपर्क बहुत काम आएंगे। आपको फायदा देने वाले इस समय कई लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। उपाय के रूप में यदि आप भगवान सूर्यदेव को प्रत्येक दिन जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको जबरदस्त शासकीय क्षेत्र में फायदा होगा। आपके खर्चों पर लगाम होगी और राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति आपको होने वाली है और यह समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा के तौर से देखा जाए तो आपको खूब तवज्जो मिलेगी। इस काल में आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पिताजी के भाग्यों का उदय होगा। उन्हें किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपको दूर स्थान की यात्रा भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको यात्रा में ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक समस्याओं के साथ साथ आर्थिक हानि भी हो सकती है। आपको मात्र पक्ष के लोगों की ओर से अच्छा समाचार प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको अपने पक्ष में परिणाम आने की उम्मीद रहेगी और उससे आपको फायदा भी होगा। उपाय के रूप में आप रविवार के दिन यदि अपनी कलाई के ऊपर लाल रंग का कलावा बांधते हैं या धागा बांधते हैं तो आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको इस गोचर के मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। पूर्व संचित पुण्य कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। आपकी आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी। व्यापार के सिलसिले में आपके प्रयास सार्थक साबित होंगे। आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़कर
काम करने का भी अवसर प्राप्त होगा। यदि आपका जीवन साथी कोई कार्य करता है तो इस दौरान उन्हें भी अच्छा लाभ मिलेगा। यह गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका प्रीतम किसी अहम भावना में बहकर आपको बुरा भला कह सकता है। ऐसे में आपको रिश्तों को बनाए रखने के लिए संयम का परिचय देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी और आप एक नया कीर्तिमान इस दौरान स्थापित करेंगे। व्यापार व्यवसाय को आप ऊंचाई तक ले जाएंगे और अच्छा धन लाभ होगा। पिछले दिनों जो आपको कमजोरी महसूस हो रही थी वह कमजोरी दूर हो जाएगी और आर्थिक स्थिति में एक जो है तेजी आने का योग बन रहा है। इसके अलावा कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। आप प्रयास करेंगे तो उच्च अधिकारियों से भी आपको लाभ मिलेंगे। इस समय आपको जॉब में ट्रांसफर होने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में रविवार के दिन यदि आप लाल फूल माँ दुर्गा को चढ़ाएंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। इस गोचर में आपको अचानक बदलाव का सामना करना पड़ेगा। अनुकूल स्थिति रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। मान सम्मान के साथ साथ आपको पुरस्कार मिल सकता है तथा समाज में आपका नाम मजबूत होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे। नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति मिलने का योग है। वाहन से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। पिताजी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो सरकारी वाहन या सरकारी भवन आपको मिलने वाला है। अचानक आपको चारों ओर का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। आपको यह बदलाव बहुत पसंद आएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना अधिक मजबूत होने वाली है। और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक दिन प्रातःकाल एक तांबे के लोटे में लाल कुमकुम डाल करके भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएंगे और अपने पिता को प्रणाम करेंगे तो निश्चय ही यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कुछ परेशानी भरा हो सकता है। इस समय आप और आपके जीवन साथी के बीच में वैचारिक मतभेद या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत भाग्य में जो है सफलता मिलेगी। आपके भाग्य में भी और आपके जीवन साथी के भाग्य में भी, दोनों के भाग्य में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा मिलने लगेगा और नौकरी में जबरदस्त आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। पुरानी जो कमजोरी है वह लगभग दूर हो जाएगी और आप अपनी छाप छोड़ने में जो है मजबूती रखेंगे। यह समय आपके माता पिता के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, उनकी सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस समय आपकी सामाजिक छवि बहुत मजबूत होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपको भाग्योन्नति का भी अवसर प्राप्त होगा। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम भी आपके द्वारा होगा जिसका दूरगामी अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। कोई नया काम आपके द्वारा शुरू हो सकता है, कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है। साथ ही उपाय के रूप में प्रत्येक दिन प्रातःकाल यदि आप पूर्व दिशा में भगवान सूर्यनारायण को प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक उन्नति का कारक रहेगा। पारिवारिक क्षेत्र में इनकी जो है शुभ कामों की योजना बनेगी, यानी यदि इनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का अवसर भी प्राप्त हो सकता है और इनके घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। नया व्यापार इनका शुरू होने वाला है, नई नौकरी भी प्राप्त होने का उत्तम योग बनने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नई जगह जाने का अवसर मिलेगा, नया काम, नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र में, शासकीय क्षेत्र में भी आपको अच्छा पद मिलने वाला है। शासकीय सुख सुविधाओं से भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको घर परिवार के लोगों की भी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी, यानी संतान या भाई बहन की उन्नति भी इस दौरान होने का योग बन रहा है। इसके अलावा यदि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, यानी सामाजिक मान सम्मान, यह प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है।
यदि आप बहुत दिनों से किसी काम के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी व्यापार के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो वह इंतजार आपका पूरा होने वाला है, यानी वह काम आपका शुरू होने वाला है या वो नौकरी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आपके लिए इस गोचर का अच्छा परिणाम प्राप्त होने का योग आ चुका है। उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक रविवार के दिन पूर्व दिशा में यदि आप जल में गुड़ और लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं, तो यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो मित्रों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार या अपनी समस्याएं आप अवश्य लिख दीजिएगा, हम आपको उसका जवाब अवश्य ही देंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।